हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो टुडे। सो चिल्ड्रन, यू नो वी आर कैरिंग ऑन विद दिस चैप्टर मिनरल्स, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द एनवायरनमेंट। वी डिस्कस्ड अबाउट द मिनरल्स दैट आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, द फेरस मिनरल्स एंड द नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स में वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द बॉक्साइट, just see the mining that has happened, and in the last class we have discussed about this. Just see the pie chart that is mentioned here, which is talking about the production of bauxite. State wise share is there in percentage 2016-17 mein, and Odisha is the largest bauxite producing state in India. इंडिया में क्या है कि लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, दैट इज़ उड़ीसा 2016-17 में। लुक एट द डाटा दैट इज़ मेंशन्ड हियर। बॉक्साइट के बारे में हमने पढ़ा। नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज द रॉक मिनरल्स। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका पढ़ा हमने। वन थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास इज द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के बहुत नुकसान हैं। This we try to understand. Now, what we are doing is, we are understanding about the rock minerals. Limestone found in the association with rocks that are composed of calcium carbonate, calcium and magnesium carbonate. So, these rock minerals that are there, usme limestone is the most prominent, found in association with rocks. Rocks are composed of calcium carbonate, calcium and magnesium carbonate. और ये देखा गया है, it is found in sedimentary rocks, most geological formations. ज़्यादातर formations में, sedimentary rocks में, we are finding these limestones. The basic raw material for the cement industry. सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन इज कंसिडर टू बी द बेसिक रॉ मटीरियल। सीमेंट का काम जब तक चूना नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। आयरन ओर को पिघलाना है भट्टी में। ब्लास्ट फर्नेस इज द बिग स्ट्रक्चर जहाँ पे कि the raw material cement industry is basically working. Now please understand ki chhota Nagpur kya hai, it is a storehouse of minerals. Chhota Nagpur ke bare mein whenever we are studying, we are understanding that is lot of minerals are available in the Chhota Nagpur plateau. Now just see some of the pictures are here. If we see these pictures, we will be understanding ki what are the hazards of mining. Mining ke bare mein jab hum baatein kar rahe hain, to mining ki sare kya problems hai. Just see, coal free catastrophe is there, and coal ke wajah se jo fire lagi hai, just see the kind of problem that the people are facing here. Fire is spreading to the coal areas and below surface. Isme kya hai, coal burns with oxygen down from the pores and online shafts mein yahan pe coal is burning. People are at risk. Bahut zyada khatra hota hai logo ko. खाली स्मेल्टरिंग लाइन से ही नहीं, नॉट ओनली बाय स्मोल्डरिंग फायर्स, लेकिन पॉइजनस फ्यूम्स आर देयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर, जिसके वजह से कि अक्सर आग लग जाती है। नाउ जस्ट सी, जस्ट चेक, कोल यूनिट इज़ फाइन ₹300 करोड़। इतना देखो क्या होता है ना, व्हाट हैपेंस दैट वेयर एवर द कोल इंडस्ट्री इज एस्टैब्लिश्ड, coal mines, I'm talking industry, it's not manufactured in industries, it is extracted from the mines. Center ne already 14 crore sanction kar diya hai for the fire phase of shifting.
तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इवैक्यूएशन ड्राइव हुआ। इतने सारे लोग कोल माइन में अक्सर लोग फंस जाते हैं, मेनी पीपल गेट ट्रैप्ड। आप कोयले की खदान कर रहे हो, इतना अंदर में अचानक पानी आ जाता है, इतने नीचे के एरिया में पानी भी तो होता है। अब क्या हुआ, 20,000 crore ऊपर 50,000 ऑफ कोल बेल्ट, जहाँ पे भी ये माइंस हैं वेयर द कोल इज एक्सट्रैक्टेड, ऑल दीज माइंस आर वेरी अनसेफ। दीज माइंस आर नॉट एट ऑल सेफ फॉर एनी ह्यूमन बींग। ओके, तो द फर्स्ट माइनिंग डिजास्टर्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट टाइम्स, 54 पीपल वेयर डेड। चीफ ऑफ द कंपनी विच इज ओनिंग दीज माइंस सेड कि नो लेस देन हाफ द माइंस डिड नॉट मीट द बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड। माइंस में काम करना इज वेरी हैजार्डस, अपनी सेहत के साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। माइनिंग करते रहते हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है, एंड वर्किंग इन द कोल फील्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैव टू बी प्रॉपर। सेफ्टी अगर सही नहीं होगी तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल एंड डिफिकल्ट फॉर द पीपल। नाउ स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस हैव बीन टेकन फॉर एनवायरमेंटल लॉज आर मेड टू प्रिवेंट माइनिंग को बचाने के लिए फॉर बिकॉज इट इज़ बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। काफ़ी सारे लोग माइंस में जो हैं, माइंस की वजह से दे आर डाइंग एवरी ईयर। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर देयर, वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज देयर, एग्रीकल्चर इज देयर अपॉन विच मिनरल डिपॉजिट्स आर देयर, सब्सटेंसेज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम आर कैप्ट। तो टोटल वॉल्यूम जो है वर्केबल मिनरल डिपॉजिट का, इट इज इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन, दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट इज देयर मिनरल डिपॉजिट। हम सिर्फ 1% पे ही काम कर पा रहे हैं, बाकी तो मिनरल्स तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वी आर कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है टू बी क्रिएटेड, टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, इतना सारा मिनरल बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो पूरा प्रोसेस है, द जियोलॉजिकल प्रोसेस इज देयर मिनरल फॉर्मेशन का, लेकिन इट इज़ सो स्लो, इतना धीमा चल रहा है कि रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मतलब जो खर्च हो गया, हम बहुत तेज़ी से उसको वापस नहीं पा सकते, वी कैनॉट गेट इट बैक। मिनरल रिसोर्सेज फाइनाइट है, नॉन रीन्यूएबल है, एंड रिच मिनरल डिपॉजिट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए है। शॉर्ट लिव्ड पोजिशंस, बहुत ही छोटे टाइम के लिए दिस मिनरल्स आर बीइंग केप्ट हियर। लगातार ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड, इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड मिनरल एक्सट्रैक्शन इज कमिंग फ्रॉम वेरी मच इनसाइड। ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विथ डिक्रीज इन क्वालिटी, क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर एंड इट इज कमिंग फ्रॉम वेरी डीप इनसाइड, ग्रेटर डेप्थ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अब हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ये हियर द आंसर इज गिवन। कॉन्सर्ट, लगातार एफर्ट्स आर बींग मेड टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए लगातार गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स प्लान इन अ वेरी प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। ठीक से देख के काम करना है, प्लान वे में सस्टेनेबल, विच शुड बी अवेलेबल फॉर द फोर्थ कमिंग जेनरेशंस, सस्टेनेबल मैनर। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड। लो ग्रेड ओर्स को भी हम यूज़ कर पाएँ, पीपल ऑलवेज लुक फॉर वेरी हाई क्वालिटी मिनरल्स, लो क्वालिटी मिनरल से भी काफ़ी काम हो सकता है। एंड हाउ आर वी गेटिंग दीज मिनरल्स, कंजर्वेशन का जो मिल रहा है वो तो हमने देख लिया, लेकिन हाउ डू वी कंजर्व इट। रीसाइक्लिंग हो रही है मेटल्स की, स्क्रैप मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, अदर सब्स्टिट्यूट्स आर देयर,
तो दीज आर द स्टेप्स टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर. मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा के रखना है. व्हेन वी गो लिटिल डीपर वी मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स जहाँ पे सब्स्टिट्यूट आर बीइंग यूज्ड. मिनरल्स के जगह पे और कुछ यूज़ करना पड़ता है तो ये सब्स्टिट्यूट कहाँ से मिलता है ये भी समझेंगे. ठीक है, यहाँ देखो बार बार ये दिया हुआ है, डिग अ लिटिल डीपर. थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो एक आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे कि मिनरल्स के अदर देन मिनरल्स व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग. ये सब्स्टिट्यूट कहाँ से मिलता है दिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एनर्जी रिसोर्सेज आर देयर. It is for all the activities these resources are required and हर एक चीज़ के लिए तो वी नीड मिनरल्स. लेकिन यहाँ पे अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज बिकॉज इट इज़ नीडेड टू कुक. खाना बन रहा है, लाइट एंड हीट इज ऑल्सो यूज्ड. व्हीकल्स गाड़ियाँ चल रही हैं, मशीनरी बन रही है इंडस्ट्रीज में. ये सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू पॉसिबल है. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स. आग से पैदा हो रहा है ये एनर्जी, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फ्यूल मिनरल्स हैं जो कि जहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके वी आर यूजिंग मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. एनर्जी रिसोर्सेज का टू पार्ट्स है. चिल्ड्रन प्लीज डू रिमेंबर दीज टू पार्ट्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल में क्या है? फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी. एवरीथिंग इज कमिंग इन कन्वेंशनल. Okay, something that's very natural, firewood, cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas, electricity. Non-conventional mein kya hai? Solar, wind, tidal, geothermal, biogas, atomic energy. To firewood ke liye, especially aag jalana padta hai bahut zyada. To for the firewood and for the cattle dung, ठीक है, केक आर मोस्ट कॉमन. कैटल डंग केक, फायरवुड, लकड़ियों में खाना बनाते हैं और बाकी तो गोहरी है ही. गोहरी आप समझ रहे हैं ना, काउ डंग का जो वो मिलता है, बनता है फ्यूल. तो कंटिन्यूएशन इज देयर. इंक्रीजिंगली इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट क्योंकि फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है. द फॉरेस्ट एरिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे. डंग केक जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, इट उसको बहुत डिस्करेज किया जा रहा है आजकल क्योंकि वेरी वैल्यूएबल वो, दैट इज़ दिस काउ डंग इज़ वैल्यूएबल फॉर दी मन्योर. खेतों के लिए भी ये काउ डंग की ज़रूरत पड़ती है विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर. अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. कन्वेंशनल सोर्स क्या है? कोल. इंडिया में कोल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल एंड देयर इज सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स. एनर्जी के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है, पावर जनरेशन के लिए, एनर्जी के लिए, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, घर के लिए भी. दिस इज़ ऑल वेरी मच रिक्वायर्ड. इंडिया क्या है? हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल. इंडिया जो है पूरी तरह से कोल पर डिपेंडेंट है for meeting its commercial energy requirements. Commercial requirement के लिए India is totally dependent on coal. And जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, we are already aware of the coal, that compression of plant material, plants जो हैं धरती के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, and millions of years तक ये अंदर रहते हैं, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत coal मिलता है. तो इट इज़ फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. बहुत तरीके से वी आर गेटिंग द कोल एंड कितना अंदर से हम कोल को निकाल रहे हैं. हाउ इंटरनली वी आर एक्सट्रैक्टिंग द कोल दैट इज़ हियर, जस्ट सी पिक्चर्स आर वेरी वेरी डिस्टर्बिंग.
किस चीज़ का पिक्चर है ये? दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ कोल माइनिंग. कोल माइनिंग हो रही है यहाँ पे. हाउ द कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड, जस्ट सी, इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड हियर. नेक्स्ट चिल्ड्रन, वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज दिस कोल माइन के बाहर का एक व्यू दिख रहा है यहाँ पे. प्लांट्स आर डिकेइंग स्वाम्प में पीट बन जाता है एंड इट हैज़ लो कार्बन, हाई मॉइस्चर कंटेंट, लो हीटिंग कैपेसिटी. तो इसमें द कोल इज़ मेड एंड लिग्नाइट क्या है? इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल. लिग्नाइट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल. इट इज़ सॉफ्ट, हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड सबसे ज़्यादा हमको थोड़ा बहुत अच्छा कोल नहीं है, लेकिन देखो कोल तो कोल है. वेयर एवर द कोल इज़ रिक्वायर्ड देयर इट कैन बी इजली यूज. ओके, एंड सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स वी आर गेटिंग इन नेवेली इन तमिलनाडु एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी भी बन रहा है लिग्नाइट से. कोल जो कि बहुत डीप इनसाइड इट वॉज बेरेड एंड टेम्परेचर जब इंक्रीज करता, बहुत अंदर तक इट इज़ बेरेड, वहाँ से इसको निकाला जा रहा है. जब टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग देन दिस काइंड ऑफ अ कोल इज कॉल्ड एज बिट्यूमिनस कोल. ओके, कोल के बारे में द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 7th ओनली. या आई एम गिविंग यू जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है. सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? इट इज़ एंथ्रासाइट. हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल इज एंथ्रासाइट. इंडिया में कोल इज इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन एजेस. दो समय का ये जियोलॉजिकल एज है जिसमें कि कोल इज देयर. जैसे इट्स डिवाइडेड, कोल इज अवेलेबल एट टू प्लेसेस. एक तो हो गया गोंडवाना, 200 मिलियन ईयर्स है गोंडवाना लैंड, इतना पुराना लैंड है वो, 200 मिलियन ईयर्स इन एज. एंड टर्शियरी डिपॉजिट विच इज़ देयर, इट इज़ ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड. 200 मिलियन ईयर्स, 55 मिलियन ईयर्स, हम मिलियंस की बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स तक तो देख नहीं पाते हैं. लेकिन लुक एट द रिसर्च वर्क दैट इज़ बींग डन. Please understand how high level research work is there. Major resources are there in Gondwana coal. It is metallurgical coal and located in the Damodar Valley. West Bengal mein, Damodar Valley mein it is located. Children, please see, these are the nuclear coal mines, oil fields, major natural gas reserve. Then we have the high volt natural HVJ natural gas pipeline. ये देखिए coal deposits हम देख रहे हैं. We are seeing this coal deposits in Neyveli. Children, you can see here it is Neyveli. Then what we are seeing is Singareni, Korba, Jharia, Bokaro. All these places we have the steel plants. जहाँ पे भी कोल इतनी ईजिली अवेलेबल है वहाँ पे तो स्टील प्लांट बनता है. ओके, ना कहाँ कहाँ पे गुड क्वालिटी कोल इज़ अवेलेबल? झारखंड में है झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स. गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा, ठीक है, यहाँ पे भी वी आर गेटिंग सम कोल डिपॉजिट्स. गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा. तो ये जो कोल्स हैं टर्शियरी कोल्स, मेजरली इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय. कोल की अवेलेबिलिटी कहाँ है? दिस इज़ नॉट ज्योग्राफी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जीके. टर्शियरी कोल्स आर अकरिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड. एंड कोल, यू नो, प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ अ बल्की मटीरियल, बहुत बड़ा सा मटीरियल है जो कि यूज़ होते ही इट टर्न्स इनटू एशेस. ऑल द हैवी इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशंस, द
दिस इज ऑल लोकेटेड ऑन और नियर दी कोल फील्ड्स, कोल फील्ड्स के पास ये सिचुएटेड है। अब हम देख रहे हैं पेट्रोलियम, वी आर टॉकिंग अबाउट दी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दीज आर दी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, ओके, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम इज हियर, हम कन्वेंशनल में देख रहे हैं। इट इज़ प्रोवाइडिंग फ्यूल फॉर हीट, लाइटनिंग के लिए। ल्यूब्रिकेंट्स आर देयर, ठीक है, देयर इज सच मटीरियल विच इज़ ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीनरी, रॉ मटीरियल, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर देयर जहाँ पे कि ये कोल का इस्तेमाल हो रहा है। दिस कोल इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जहाँ पे पेट्रोल रिफाइन हो रहा है वहाँ पे दिस इज़ एक्टिंग एज अ नोडल इंडस्ट्री। नोडल मतलब अगर नहीं होगा तो नहीं काम चलेगा, जो उसकी मेन चाबी है वो यहीं पे है। एंड सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, बहुत तरीके के केमिकल इंडस्ट्रीज, दिस इज़ ऑल रिक्वायर्ड, दिस इज़ ऑल रिक्वायरिंग द पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है इन इंडस्ट्रीज को, नोडल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फर्टिलाइज़र के बिना काम नहीं चलेगा, केमिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हमको चाहिए। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे है, कहाँ मिलता है पेट्रोलियम, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ जीके। पेट्रोलियम इज़ फाउंड विथ एंटीक्लाइंस, फॉल्ट ट्रैप्स, रॉक फॉर्मेशंस हैं टर्शियरी एज में। तो देर इज़ रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस, डोम्स, तो जहाँ पे ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपवर्ड, ऑयल जहाँ पे फंसा हुआ है ऊपर की तरफ, जहाँ पे ऑयल इज देयर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब देखो इट इज देयर, ऑयल बेयरिंग लेयर इज देयर, इट इज पोरस, जो एक हमारी लेयर बन रही है ना उसके ऊपर भी बहुत सारा ऑयल आ जाता है। तो ऑयल बेयरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जहाँ से कि ऑयल में फ्लो, ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स, ओके। ऑयल इज प्रिवेंटेड, ऑयल में बहुत ज़्यादा मतलब आप ये समझिए राइजिंग एंड सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स। एवरी टाइम इट इज़ अवेलेबल इन द पोर्स, जहाँ पे पोर्स में अवेलेबल नहीं है, ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे है, बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। गैस इज लाइटर, यूजुअली इट इज़ अबव द ऑयल। एंड कहाँ पे वी आर गेटिंग दिस कोल फील्ड्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड मुंबई हाई, गुजरात एंड असम, मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज। मैप में तो हम देख ही रहे हैं मेजर ऑफ शोर फील्ड्स, अंकलेश्वर इज आई मीन मुंबई हाई, अंकलेश्वर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस प्लेस ऑल्सो। डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, हुगरीजान, दीज आर द एरियाज दैट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गैंजेस, उस लैंड से रिवर होते हुए इट इज़ कमिंग डाउन। सो नाहरकटिया, मोरान, हुगरीजान आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ द स्टेट। ऑयल फील्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये ऑयल फील्ड यहीं पे है। अब आप देख लीजिए नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आजकल तो नेचुरल गैस के बिना काम ही नहीं चल सकता है। नेचुरल गैस इम्पॉर्टेंट, क्लीन एनर्जी, एंड विद और विदाउट पेट्रोलियम भी हमको नेचुरल गैस मिल रहा है। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में नेचुरल गैस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिकॉज ऑफ द लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड इट इज़ द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी। आज के ज़माने के लिए सबसे बड़ा यही एक फ्यूल है, दैट इज़ द नेचुरल गैस। बहुत सारा नेचुरल गैस है, कहाँ पे मिला हुआ है, वी आर गेटिंग इट इन कृष्णा, कावेरी बेसिन, वेस्ट कोस्ट में हमको कहाँ पे मिल रहा है, मुंबई हाई,
एंड इसी के साथ लगे हुए द अलाइड फील्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन द गल्फ ऑफ कैम्बे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट एरिया हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इतना सारा नेचुरल गैस इज हियर एंड 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स आर देयर मुंबई हाई बेसिन एवरीवेयर विद द फर्टिलाइजर 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस बाउंड्री 1700 किलोमीटर इज देयर एंड दिस आर्टरी हैज प्रोवाइडेड एन इंडिया का जो गैस प्रोडक्शन है जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था उसको जैसे इट हैज़ कम अप एज अ वेन जान आ गई एंड कंप्रेस्ड सीएनजी फॉर व्हीकल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल गैस ओके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू